हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरती वेज किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पनीर मखानी की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है और आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना है, ताकि आप भी इसे अच्छी तरह से बना पाएँ और रेसिपी का कोई भी इंग्रेडिएंट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए, आपका बिना समय खराब किए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की ये रेसिपी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हम ले लेते हैं पनीर। यहाँ पर हमने 400 ग्राम पनीर का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं हमने अपने पनीर को पहले से काट कर रखा है। ये हमारे सारे पीस एक जैसे कटे हैं। चलिए अब हम तैयार कर लेते हैं अपने पनीर को। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े बाउल का यूज़ किया है, जिसमें हम डाल लेते हैं 2 चम्मच फ्रेश दही, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसको हमने थोड़ा सा मोटा रखा है। अब हम इसमें डाल लेंगे काली मिर्च, जिसको हमने दरदरा कूट लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, आपको भी इसे इसी तरह से अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारे अदरक और लहसुन का जो फ्लेवर है वो पनीर पर अच्छे से आ पाए। ये हमारा मिक्सर बंद कर रेडी हो चुका है। अब हम अपना पनीर इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारा दही का पेस्ट हमारे पनीर पर बहुत ही अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसे मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर स्पून का यूज किया है। आप चाहें तो इसे अपने हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यह हमारा पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें कर लेते हैं फ्राई, जिसके लिए हमने एक पैन में ऑयल डालकर गर्म किया है और इसमें हमने अपने पनीर के पीस को डाल दिया और इसे हम पलट पलट कर दोनों साइड से ब्राउन होने तक सेकेंगे। यह हमारे पनीर के पीस गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम बना लेते हैं इसकी ग्रेवी, जिसके लिए हमने यहाँ पर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का यूज़ किया है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें टमाटर को प्याज से डबल ही लेना है। यहाँ पर हमने अपने टमाटर और प्याज को रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई, जिसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म किया है। इसमें हमने डाली है कुछ लौंगे, तेजपात और 1 चम्मच बारीक चॉप की हुई अदरक और लहसुन, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने काटे हुए प्याज और इसे भी लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये हमारे प्याज अच्छे से भून चुके हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपने कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक। नमक डालने से हमारे प्याज और टमाटर बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। चलिए अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स और फटाफट से इसे तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारे प्याज और टमाटर पककर रेडी होंगे, फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए आप देख सकते हैं ये हमारे प्याज और टमाटर बनकर रेडी हो चुके हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं। इसमें से हमने तेजपात के पत्तों को अलग कर दिया है। अब इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार यूज़ किया है और इसका एक पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम किया है, जिसमें हमने डाल लिए हैं अपने मखाने और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई। क्योंकि मखाने बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम इसे फ्राई कर रहे हैं, ताकि ये ग्रेवी में डालते ही घुल ना जाए। चलिए अब हम बना लेते हैं ग्रेवी, जिसके लिए हमने यहाँ पर दोबारा से कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम इसमें डाल लेते हैं अपने तैयार किया हुआ पेस्ट। यह हमारा पेस्ट पहले से पका हुआ है, इसीलिए इसे बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब हम डाल लेते हैं 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक का यूज़ हमें थोड़ा ही करना है, क्योंकि हमने नमक पहले भी डाल रखा है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे हमारी सब्जी को बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलता है, और 1 चम्मच सहजवान चटनी। यह हमारी घर में तैयार की हुई होममेड चटनी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी, जिसके लिए हमने उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लिया है, जिसमें हमने अपने पनीर को मैरिनेट किया था। अब हम ग्रेवी में डाल लेते हैं मखाने, जिन्हें हमने पहले से फ्राई कर कर रखा है, और थोड़े से काजू। इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। चलिए इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपने तैयार किए हुए पनीर
और फटाफट से बना लेते हैं अपनी पनीर मखानी की रेसिपी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा देर हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पनीर डालने के बाद हमने इसे टोटल 5 मिनट तक पकाया है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमारी ग्रेवी गाढ़ी थी इसलिए हमने यहाँ पर दोबारा पानी का यूज़ किया है। अगर आपकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं है तो आपको यहाँ पर दोबारा पानी यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की हमारी पनीर मखानी की रेसिपी गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं फ्रेश मलाई से। अब ये हमारी सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।